एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता जी का ओपन। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस एरिया में देखिए, बहुत बार आई हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। आज मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बड़ी सारी तोरी जो है यहाँ पर लटकी हुई है। ये देखिए, बड़ी सारी तोरी है। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मतलब इस एरिया में मुझे अधिकतर बीन्स दिखती थी या फिर करेले दिखते थे। देखिए, मैं बीन्स आपको दिखाती हूँ यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ से मैंने कुछ कटाई छटाई जो है वो कर दी है। और देखिए बीन्स, देखिए इस एरिया में बीन्स दिखती थी। तो ये देखिए, इस तरह से बीन्स बहुत अच्छी चल रही है। लोबिया बोल सकते हो आप इनको, ठीक है? बहुत जगह इनको लोबिया बोला जाता है। बीन्स की अलग वैरायटी होती है और ये लोबिया जैसी हैं और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस तरह की बीन्स हैं, ये देखिए। और यहाँ पर करेले भी हैं, आप देख सकते हो। हमेशा मैंने आपको करेले ही दिखाया इस एरिया में, ये देखो, ठीक है? ये छोटे छोटे करेले हैं। तो आज मैं बीन्स और यहाँ से देखो, मतलब ग्रीन होने के कारण मुझे दिख ही नहीं रही है। देखिए, उस तरफ से तोड़ के आ गई हूँ तब मुझे दिख रही है कि यहाँ पर बीन्स और भी लटकी हुई है, ये देखिए। तो जल्दी जल्दी से बीन्स की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और जो तोरी हमने आपको अभी दिखाई है, वो तोरी भी हम आज कट कर लेंगे। कैंची मैंने रख दी है। और चलिए जल्दी से मैं अपना हाथ खाली कर लेती हूँ, ये देखिए। और ये तोरी जो है मेरे हाथ से तो कटेगी नहीं, तो इसको हस्बैंड ही काट के आपको दिखाएंगे। ऊपर से आ रही है, देखो ये बड़ी सारी है, देखो देखो। बिल्कुल कैमरा पॉज नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत से लोग बोल देंगे कि ये उगी नहीं है, इन्होंने तो ऐसे ही पकड़ के दिखा रखी थी। ये देखिए, आपको दिखेगी यहाँ से, बड़ी मुश्किल से काट रहे हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल पत्तों के बीच में घुसी हुई है, दिख ही नहीं रही है बिल्कुल। ये देखिए, आप आसानी से इस टाइम पर तोरी ग्रो कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो शेयर किया है कि इस टाइम पर आप कौन कौन सी सब्जी ग्रो कर सकते हो, और ज़रूर देख लो। ये देखो कितनी बड़ी सारी है, देखो। और ये देखिए, यहाँ से कट का भी निशान आपको दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत से लोग यकीन ही नहीं करते हैं। दूसरे एरिया में चलते हैं और यहाँ पर कुछ ना करेले हैं, जो हम करेले हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, ये आसानी से कटता नहीं है, कैंची से ही काटना पड़ेगा। ये देखिए, और भी इस तरफ करेले हैं, वो सब ले लेते हैं। उसके बाद ना और दिखाती हूँ आपको, तोरी और भी हैं, वो हार्वेस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ ना कुछ सीड बन गए हैं, ये देखिए, मतलब पक चुकी है। तो इसे आप भी छोड़ दिया करो, कट मत किया करो। कट करोगे तो ये खाने में अच्छी तो लगेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप इनके सीड ही बन जाने दो, और उसके बाद जब ये बिल्कुल पक जाएगी ना, ब्राउन कलर की हो जाएगी, तब आप इसे कट कर सकते हो। तो इस एरिया में और भी बहुत सारी बीन्स है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है? और ऊपर की तरफ भी लगी हुई हैं, ये देखिए। और तोरी के और भी बहुत सारे फ्लावर खिल रहे हैं, तो हस्बैंड इन्हें कट कर लेंगे। और इस तरफ मैंने एक तोरी देखी थी, देखिए ये रही, लेकिन अभी ये छोटी है, ठीक है? तो अभी आज इसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल ककड़ी जैसी है, तो इसको नहीं हार्वेस्ट कर रहे। शायद आपको दिख गई होगी, ये देखो, ठीक है, इसको नहीं कर रहे हैं। और यहाँ बीच में एक करेला दिखाया था मैंने, इससे पिछले वाले वीडियो में, इसको हार्वेस्ट कर लेते, नहीं तो ये फिर पक जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर बटरफ्लाई जो है वो भी डांस करती हुई। कुछ इस तरह की बटरफ्लाई बहुत आती है हमारे गार्डन में, अलग अलग तरह की आती है, सिर्फ येलो वाले ही नहीं। और एक तोरी ये लटकी हुई है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ध्यान से बेलना कट जाए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ एक अंदर की तरफ ना करेला लटका हुआ है, वो भी कट कर लेते हैं। और एक पक गया मेरे ख्याल से, ठीक है, एक यहाँ पर मुझे लग रहा है, हाँ देखो ये अंदर की तरफ ना एक पक गया है, तो इसको छोड़ देते हैं सीड के लिए। तो देखिए यहाँ पर और भी कुछ हमारे जो करेला है वो बन रहे हैं। और एक तोरी मुझे यहाँ भी दिख रही है, ये वाली, लेकिन ये अभी छोटी है, ठीक है? तो अगर आप भी इस तरह के बहुत सारे बेल वाले प्लांट ग्रो कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान यही रखना है, इस तरह का बड़ा सारा पॉट आप लेना। इस तरह के ना होममेड ग्रो बैग जो होते हैं, उसमें भी आसानी से चल जाती हैं। या फिर इस तरह का कोई पुराना संदूक, या इस तरह का कोई पुराना टेबल टाइप का, एक करेला ये है, ये भी ले लो, ठीक है? तो आपको इस तरह के बड़े सारे कंटेनर यूज़ करने हैं, और उनमें मिट्टी फिल कर लेनी है। मिट्टी अधिकतर 50% मिट्टी रखा करो, 30% उसमें रिवर सैंड मिक्स किया करो, और बाकी हिस्सा उसमें खाद मिक्स किया करो। डिटेल वीडियो है चैनल पर, आप देख लेना एक बार जाकर कि किस तरह से मिट्टी रेडी करते हैं। मिट्टी रेडी करने के बाद आपको अपने पॉट में फिल कर देना है। देखिए कुछ इस तरह से पॉट में फिल करके उसको गीला करके छोड़ दिया करो, फिर ठीक है, उसके बाद आप सीड लगाया करो। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने अभी सीड लगाया था, हफ्ता भर हो गया होगा ये सीड चल रहा है आराम से। तो सीड लगाने के बाद आप वाटरिंग करके उसे शेडी एरिया में रख दिया करो, और उसके बाद वो आसानी से चल जाता है। खाद की मैं बात करूँ तो आपको गुड़ाई करनी है, और हफ्ते में तो नहीं, मेरे ख्याल से आपको
10 दिन में गुड़ाई कर देनी है। और गुड़ाई करने के बाद आपको इसमें पॉट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे इतना बड़ा सारे पॉट हैं तो हम इसमें 1 किलो के करीब खाद डालते हैं। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, गोबर की खाद जो चाहे वो ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा फंगी पाउडर डालकर मिक्स करके अच्छी तरीके से और गुड़ाई करके वो डालना है। उसके बाद वाटर ज़रूर डालना है। वाटर नहीं डालोगे तो फिर वो आपका खाद जो है वो काम नहीं कर पाएगा। और लिक्विड फर्टिलाइज़र 1 हफ्ते में 2 बार डाला करो। बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो आपको अपने इस तरह की बेल पर डालने चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र से ये होता है कि इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और हार्वेस्टिंग के बाद तो आपको ये सारे काम करने ही होते हैं। अगर आपने खाद नहीं डाला तो आपको दोबारा से हार्वेस्टिंग जो है वो नहीं मिलेगी। खाद डालोगे उसके बाद तभी आपको नई ग्रोथ दिखेगी और नए फ्रूट बनेंगे और नई हार्वेस्टिंग जो है वो आपको करने को मिलेगी। और आप देखो कुछ इस तरह से आपके पत्तों में अगर छेद हो रहे हैं तो कोई पेट्स अटैक है, उसके लिए आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। हल्दी का स्प्रे भी आप कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो फिर आपकी सारी की सारी बेल जो है वो ख़राब हो जाएगी। देखिए इस एरिया में से इस तरह के कुछ येलो लीव्स हो गए थे जो कि मैंने यहाँ से कट किए थे। बहुत घनी बेल थी ये, अब दोबारा से फिर से हो रहे हैं, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस तरह के येलो लीव्स हो तो उनको आपको कट करके हटा देना है, नहीं तो नई ग्रोथ जो है वो नहीं दिखेगी। और इस तरह से सूखते सूखते आपके सारे प्लांट सूख जाएंगे और उनमें फंगस अटैक हो जाएगा और सारा का सारा प्लांट जो है वो आपका मर जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो जो मैंने टिप आपको बताई है प्लीज़ वो करो और उसके बाद आपको भी कुछ इस तरह की हार्वेस्टिंग जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने वीडियो का एंड कर दिया और दिखाया ही नहीं कि आज की हमारी हार्वेस्टिंग कितनी हुई है। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 तोरी है बड़े साइज़ की, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी सी है, 2 तोरी है, कुछ बीन्स हैं और ये कुछ करेले हैं। करेले छोटे साइज़ के हैं क्योंकि पॉट साइज़ जितना बड़ा होगा करेले का आकार भी उतना बड़ा होगा। कैल्शियम और आयरन अपने प्लांट की मिट्टी में डालो तो ये जो आपको हार्वेस्टिंग मिली है ये बड़ी होने लगेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं।